इसके लिए आप सभी लोग इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, जहां जरूरत पड़े उसके स्क्रीनशॉट रखते चलेगा। हमारी और आपकी कोशिश रहेगी उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ें जहां सबके परीक्षा में बार बार झोला भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। तो यह सीरीज की जो MCQ है, यह पूरी तरह से NCERT पैटर्न पर और NCERT के जो सीरीज है उसी के आधार पर इसको तैयार किया गया है, ताकि आप सभी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई समस्या ना होने पाए। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस सेशन को पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट जितना वो सोच भी नहीं सकते। अगर हम एक एक करके इनके प्रश्नों की बात करें, तो इनके जो प्रश्न है, कह रहे लिखित में से आज का जो टॉपिक है धातु अधातु, और जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया था कि यहाँ पर NCERT सेशन है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? जिंक, टीन, लोहा और सोना। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं, उन सभी के लिए ये काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण होगा। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास आप सभी के लिए। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग सेशन को वीडियो को इस सेशन में लाइव देख पा रहे हैं। तो कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ध्यान रहे, इस प्रश्न का उत्तर होगा सोना। एक पूछा जाता है कि सोना का, जैसे सोना है गोल्ड का, इसका क्या होगा? Au। उसी प्रकार चांदी का क्या होगा? चांदी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होगा? तो जितने भी साथी मित्र हमारे साथ सेशन को पढ़ रहे हैं, डेली क्लास में रहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके उस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। चाहे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो, चाहे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो, कहीं भी आप देख रहे हो, तो उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो आपके साथ साथ हमारा भी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। हमको भी लगता है यार, हम लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं और आप भी तैयार कर रहे हैं तथ्यों को, टॉपिक को। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, कौन सा कथन सत्य है? कई बार पूछा जाता है इस तरह का जो प्रश्न आते हैं, कौन सा कथन असत्य है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इस बार हमें पूछ लिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जितने भी साथी मित्र हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, वे सभी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। वैसे मैंने वीडियो को शेयर कर लिया है, अगर आप चाहें तो आप भी इस वीडियो को शेयर कर लें और हमारे साथ क्लास में बने रहे। जी हाँ, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती, ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील के घटक क्रोमियम तथा आयरन है। सोल्डर के घटक टीन तथा एल्युमिनियम है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो जी हाँ, इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर जो होगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, यही इस प्रश्न का सत्य है। और जो सत्य है वही सही, अर्थात सवाल उत्तर ए है। ये वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर एक साथ लाइव चल रहा है, जरा कॉमेंट करके आप लोग बताइएगा मेरी आवाज साफ चल रही कि नहीं। ठीक है सर जी, कभी नाम भी बोले, आपका नाम ही नहीं लिखा है कुछ, तो क्या बोले, आपका नाम बताएं, हम बोल दें। किस धातु का गलनांक सर्वाधिक है? किस धातु का जो गलनांक है वो सर्वाधिक है? मैलीबियम, ओस्मियम, टंगस्टन, जिंक। तो प्रश्न नंबर 3 का जवाब जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। चाहे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप कहीं भी देख रहे हैं, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और हम जब जवाब देंगे तब हमें भी लगेगा हाँ यार, आप लोग भी हमारे साथ साथ इस सेशन में मेहनत से पढ़ रहे हैं और यकीनन आप कुछ बड़ा और बेहतर जरूर करेंगे। जी हाँ, गलनांक की अगर हम बात करें, किसका गलनांक सर्वाधिक है? तो एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा टंगस्टन, मतलब इस सवाल का सबसे सही उत्तर क्या होगा? सी। मतलब इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा आपका? सी होगा। किस धातु का गलनांक सर्वाधिक, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे ठीक है, तो आप लोग जरा कमेंट करते रहिएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। किस धातु का गलनांक सर्वाधिक है? तो टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक है। अगला सवाल आपके सामने, धातुओं कौन सा युग्म विद्युत का सुचालक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तांब युग्म विद्युत का सुचालक है। तांबा एवं सिल्वर, तांबा एवं सोना, लोहा एवं सिल्वर, लोहा तथा कापर। अब यहां पर इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहां पर अब इस सभी लोग को, जितने भी साथी में तमाचा सेशन बने हैं, उन सबको इस प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहिए और आप जवाब देंगे भी। अगर हम बात करें युग्म विद्युत का सुचालक है, तो सबसे ज्यादा हम जानते हैं तांबा का इस्तेमाल होता है, जिसे हम कॉपर कहते हैं। तो तांबा जहां जाओ सही है, कि तांबा के साथ सिल्वर भी सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए जवाब दिया और आपके मन में इस प्रश्न का उत्तर ए आया था, तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम इसी के साथ बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। ये टॉपिक है धातु धातु NCERT विज्ञान NCERT के साइंस सीरीज में। हम फिर से नए सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपके सामने है। मिश्र धातु जर्मन सिल्वर के घटक क्या क्या है? कॉपर, निकिल, जिंक, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर, जिंक, कॉपर, इनमें से कोई नहीं। तो जब इनमें से कोई नहीं, इसको हम काट देते हैं। अब आपके पास 3 विकल्प खुले हैं,
कॉपर निकल जिंक, एल्युमिनियम जिंक कॉपर, सिल्वर जिंक कॉपर, तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी जवाब। तो यहां पर अगर हम प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा कॉपर निकल और जिंक, मतलब सवाल का सही उत्तर क्या होगा आपका ए। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आप सबके जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, कौन से तांबे का अयस्क है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके कई बार परीक्षाएं पूछा जा चुका है और मैंने पहले जैसा कि आपसे कहा कि पूरी एनसीईआरटी की साइंस है, एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की साइंस है, तो आपकी भूमिका काफी अहम और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बताइए कि कौन सा तांबे का अयस्क है। जितने भी साथी मित्र हमारे साथ सेशन बने हैं, जितने भी साथी मित्र सेशन को पूरा देख रहे हैं, वे इस कमेंट सेक्शन में जाएंगे और जवाब जरूर देंगे। तांबे का अयस्क अगर हम बात करें तो आपके मन में सवाल जो आएगा यहां पर होगा, कॉपर पायराइड भी सही है, कॉपर ग्लास भी है, मैलाकाइड भी है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, ऑल ऑफ डी। अगर आपने सवाल का उत्तर डी दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकता है। लेकिन इस वीडियो को आप सभी मित्रों को साझा जरूर करिएगा जो भी लोग लाइव देख रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ आपके साथ। अगला है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, इसमें कोई नहीं तो गलत हो गया। अब आपको बताने इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपको याद होगा ऐसे सवाल बहुत आए पूछे जाते हैं, खासकर आपकी परीक्षाओं की जब मैं बात करूं तो आप इस तरह के सवाल खूब झोला भर भर के आते हैं। बताइए सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉमेंट करके बताइएगा। नीले लिटमस को लाल कर देता था, सवाल का उत्तर क्या होगा? अगर आप सबों ने इस प्रश्न का उत्तर ए जवाब दिया है तो आपके उत्तर पूरी तरह से सही है, यानी नीले लिटमस को लाल कर देता है, ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, धातु किस प्रकार के आयन देती है? धातुएं किस प्रकार के आयन देती हैं? धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन, ए और बी दोनों आयन देते ही नहीं, जवाब दीजिएगा जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके दीजिए धातुएं किस प्रकार के आयन देती हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा, चाहे गलत चाहे सही। अगर मैं बात करें धातुएं किस प्रकार के आयन देती हैं तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा ए, धनात्मक आयन। इस प्रश्न का सही और राइट आंसर, अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए जवाब दिया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। ठीक है, आपके साथ ही बढ़ते हैं आगे। अगला है, किस धातु में विद्युत चालकता सबसे कम है? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ देख रहे हैं, पीबी, सीयू, एएल, एफई। एफई का क्या हो जाएगा, फेरस मानी लोहा होता है, सीयू का क्या होगा कमेंट करिएगा, एएल किसका है और पीबी किसका है। तो पीबी को हम ये जानते हैं पारा, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पीबी होगा। माने दिए गए विकल्प में से किस धातु में विद्युत चालकता सबसे कम होगी, तो यहाँ पे पीबी होगा। अगर आपने सवाल का उत्तर ए बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं इसी के साथ नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। जरा कमेंट करके बताइएगा कि जो लोग वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं आवाज साफ आ रही, वीडियो साफ चला, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। अगला है, कौन सी धातु कक्ष ताप पर द्रव रूप में रहती है? कॉपर, मरकरी, लेड, जिंक। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जो लोग साथी लाइव देख रहे हैं, कौन सी धातु कक्ष ताप पर द्रव के रूप में रहती है? कॉपर, मरकरी, लेड, जिंक, बताइए फटाफट। इस प्रश्न का उत्तर होगा मरकरी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि कौन सी धातु कक्ष ताप पर द्रव के रूप में रहती है। हम आगे बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। धातु जो केरोसिन तेल में रखी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, क्यों रखी जाती है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जितने भी साथी मित्र हमारे साथ इस वीडियो में बने हैं, जितने भी साथी मित्र इस क्लास को पढ़ रहे हैं, वे सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा जो केरोसिन तेल में रखी जाती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, आपका जवाब आना जरूरी है।
मैंने तो वीडियो को शेयर कर दिया, अब आपकी बारी है शेयर करने की, अब आप इसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए इसी सेशन के साथ हम लोग आपके साथ मिलकर कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं। यहां पर सोडियम आप लोगों ने सही जवाब दिया है, सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है कमेंट कर बताइएगा। सी वाला जवाब यहां पर सही है। धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं, क्यों कमेंट सेक्शन में जाएगा जवाब जरूर दीजिएगा। किसे केरोसिन के तेल में मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया, कुछ लोग का जवाब ए आ रहा था, जबकि यहां इस प्रश्न का जवाब सी होगा। सोडियम, सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है कमेंट बॉक्स में जाइए कमेंट करके बताइएगा। हम आगे चलते हैं। आगे है, थर्मामीटर में निम्नलिखित में कौन सी धातु का प्रयोग की जाती है, मैंने थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? जिंक, कॉपर, लोहा, मरकरी, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पर पोटेशियम, कुछ लोग कह रहे हैं पोटेशियम गलत है। केरोसिन जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं, तो मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है जिसे हम Na के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। श्वेता जी ने जवाब दिया था सर पोटेशियम पोटेशियम नहीं होता, फिर से एक बार पढ़िएगा। एनसीईआरटी का जो सेशन है वहां पर से साफ साफ सोडियम को कहा गया है, क्योंकि हवा लगते ही ज्वलनशील हो जाती है, जलने लगती है। तो यहां पर इस प्रश्न की बात करें थर्मामीटर में क्या भरा जाता है, तो विकल्प के साथ देखेंगे तो मरकरी, मतलब डी अगर आपने सवाल का उत्तर बताया तो आपके जवाब सही है। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेगा जो भी लोग लाइव देख रहे हैं। अगला है, ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है किसका? CuMnCl, CuZnSn, ZnAg, AgAl, Zn, तो बताइए क्या होगा। यहां पर Cu, इस सवाल का उत्तर क्या होगा? कॉपर का क्या होगा कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ लाइव सेशन में बने हैं। अगला है, किसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती, बहुत इंपॉर्टेंट सभी के लिए, पिटवा लोहा, इस्पात, ढलवा लोहा, लव एस, इसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी साथी मित्र सेशन को पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र सेशन को देख रहे हैं, फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा। गलत हो या सही जवाब सबके आने चाहिए। जी हां, पिटवा लोहा इस प्रश्न का सही जवाब है, मतलब ए आपने एकदम सही जवाब दिया है। अगला है, सफेद फास्फोरस का भंडारण किसमें किया जाता है? हवा में, केरोसिन तेल में, जल में, खाद्य तेल में? तो सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सफेद फास्फोरस की बात की जा रही है। सभी लोग जवाब दीजिए, सफेद फास्फोरस का भंडारण क्या जाता है? एनसीईआरटी की साइंस है। जी हां, सफेद फास्फोरस का भंडारण जल में किया जाता है। क्यों कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फिर सभी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, तैयार आप लोग ना? ठीक है, अगला है, सबसे भारी धातु है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा दुर्गेश, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर सभी क्लास की लिंक वीडियो आपको निःशुल्क मिलती रहेगी। सबसे भारी धातु है, एकदम सरल सवाल है। सोडियम क्या होता है कमेंट कर बताइएगा धातु, मरकरी क्या होती है प्रतीक चिन्ह, सोना क्या है, पोटेशियम क्या है, यह भी पूछा जाता है, मिलान करने के लिए आता है। वैसे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी, मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया सही है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? अमलगम, कोटिंग, ग्लोबलाइजेशन, पोलिथिंग, सभी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए कमेंट करके बताइए, जवाब दीजिए सब लोग। जी हां, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, कोटिंग बी।
हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसकी? तो यहां पर होगा एल सी एन आई निकिल, यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा ए। सबसे भारी अधातु, यह बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, सबसे भारी अधातु है फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, वे सब इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सबसे भारी अधातु है, तो सबसे भारी जो अधातु है वह है आपका कार्बन। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही था। हम इसी के साथ बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, आप नोट समझे अगर कोई जानकारी चाहिए, आप यहाँ पे घर बैठे सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, लेखपाल, पेट, पुलिस, एसआई, एमपी टेट, एसएसबी, रीड, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, सभी नोट्स आपको घर बैठे मिल जाएंगे। आप चाहे तो इसे नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं सभी लोग, और ई-लर्निंग पे तुर्गेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अगला है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा, सभी साथी जवाब दीजिएगा। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? लेड, फास्फोरस, सल्फर, ग्रेफाइट। जी हां, सुचालक की बात की जा रही है तो यहां पर होगा लेड। काटने के काम में प्रयोग होने वाले औजार बनाए जाते हैं, हीरा के, स्टेनलेस स्टील के, टंगस्टन स्टील के, सिलिकॉन के। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा टंगस्टन स्टील के। सी आपके जवाब सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है, सोल्डर के मिश्र धातु के घटक हैं लेड तथा टीन, लोहा तथा कार्बन, कॉपर तथा जिंक, कॉपर निकिल तथा जिंक। एकदम सही जवाब है आपका, लेड तथा टीन, इस प्रश्न का सही जवाब है। इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाजों में उपयोग होने वाली धातु क्या है? हवाई जहाजों में उपयोग होने वाली धातु क्या है? सभी जवाब दीजिएगा, जंग रहित स्टील, ड्यूरेलियम, सोल्डर, जिंक मिला लोहा। सभी लोग जवाब दीजिएगा, चाहे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, और सबको शेयर भी करिएगा। यहां होगा ड्यूरेलियम। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा, प्रश्न की स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, क्लास खत्म होने बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको आसानी से मिल जाएगी, और फेसबुक पर भी इसके सारे प्रश्न आ जाएंगे क्लास खत्म होते ही। अगला है, जर्मन सिल्वर किस एक को बनाने में प्रयोग की जाती है? आभूषण बनाने में, चाकू, कांटे, बर्तन, सिक्के, चिकित्सीय औजार। जर्मन सिल्वर किसे बनाने में प्रयोग की जाती है? ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, आभूषण। ठीक है, हम आगे चलते अगले सवाल की तरफ। अगला है, लोहे पर जिंक का लेप किया जाता है क्योंकि जिंक एक अस्थायी मिश्र धातु है, जिंक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है जैसे लोहा लेता है, जिंक लोहे को जंग लगने से बचाती है, जिंक आक्सीकृत नहीं होती। क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? जिंक लोहे की जंग लगने से बचाती है, जिंक जो है वो क्या करती है, लोहे को जंग लगने से बचाती है। तो इस सवाल का उत्तर होगा आपका सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं आपके साथ एक नए सवाल की तरफ। कौन सा उष्मा तथा विद्युत का सुचालक नहीं है? सुचालक नहीं इसका मतलब कुचालक पूछ रहा है। यहां पे आपसे कुचालक पूछा जा रहा है, कौन सा उष्मा तथा विद्युत का सुचालक नहीं है? सभी जवाब दीजिएगा, लोहा है, जिंक है, कॉपर है, लेकिन सल्फर जो है यह कुचालक है। मतलब यहां पर जो सही है, जो गलत है, वही आपका यहां पर सही है। उम्मीद करते सबके ये जवाब पूरी तरह से सही होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको न समझ में आए, कमेंट करिएगा।
ये एनसीईआरटी सेशन के प्रश्न में आपसे बार बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी पूरा है, पूरा निचोड़ है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, धातुओं को उनके अयस्क से निकालने की विज्ञान को क्या कहा जाता है? धातु कर्म कहते हैं, सांद्रण कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, यजदलेपन कहते हैं। 27 सभी लोग जवाब दीजिएगा, और उम्मीद करते हैं जितने लोग लाइव हैं वे सब प्रश्न नंबर 27 से जवाब दे लेंगे। यहां पर होगा धातु कर्म, इस प्रश्न का सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में अपने ऑक्साइड के रूप में मिलता है? कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज। 28 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। जी हाँ, मैग्नीज इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपने भी प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, देखिए यहाँ पर नोट संबंधी जानकारी है, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, हो सकता है आपके काम आ जाए। ये सभी क्लासेज जनपद जौनपुर से लाइव चल रही है आप सभी के लिए। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर एक साथ लाइव है, मेरे द्वारा सारी क्लासेज निःशुल्क होती जब भी मुझे मिलता है। ठीक, कौन सी धातु प्रकृति में अपने सल्फाइड के रूप में मिलती है? एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीज, निकिल। सभी लोग जवाब दीजिएगा। अब यहां इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, निकिल। इसकी थ्योरी की क्लास भी आपको इलेनी बी दुर्गेश के ऐप पे, इलेनी बी दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। तो वहां पे थ्योरी बार पढ़ने के बाद जब प्रश्न बैंक को सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा हाँ, ये तो पूरा जो थ्योरी वहीं से आ रहा है। कौन सी धातु प्रकृति में अपने सल्फाइड रूप में मिलती है? एंटीमनी, कैडमियम, निकिल, लोहा। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करिएगा जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। लोहा इस प्रश्न का सही जवाब है, मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया तो आपका जवाब सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से अगले सवाल की तरफ। एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त खनिज जिसमें एक या एक से अधिक धातुएं लाभपूर्ण निकाली जा सकती हैं क्या कहलाती हैं? मिश्र धातु कहलाती हैं, यौगिक कहलाती हैं, मिश्रण कहलाती हैं, अयस्क कहलाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त खनिज जिसमें एक से अधिक धातुएं लाभपूर्ण निकाले जा सकती हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु, यौगिक, मिश्रण, अयस्क। इस प्रश्न का उत्तर होगा अयस्क, डी। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? अगर प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलती कर जाएंगे, तो आप जवाब जरूर दीजिएगा जितने भी लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, और आप लोग प्रतिदिन क्लास में टाइम से टाइम तक के लिए बने रहा करिए। अक्रिय गैस नहीं है तो यहां पर हाइड्रोजन होगा। तो यहां तक कितने ऐसे लोग थे जिनको समझ में आ रहा, इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। वैसे क्लास खत्म होने के बाद ये टेलीग्राम पर, फेसबुक पे और ऐप पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश ये करिएगा साथ साथ आप पढ़ते चलिएगा। ठीक है, हम आगे चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ आपके साथ। अगला, धातुओं को कौन सा युग्म प्रकृति में तत्व रूप में प्राप्त होता है? सोना तथा मैग्नीज, प्लेटिनियम तथा मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनियम, इसमें से कोई नहीं। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सोना तथा प्लेटिनियम, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब सही है। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सभी धातुएं सिवाय एक के कक्ष ताप पर ठोस अवस्था में होती है। सभी धातुएं सिवाय एक, मतलब इसमें एक को छोड़कर है, मतलब ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे, वरना इस प्रश्न का उत्तर तो कई है लेकिन आपको यहां पर एक ही प्रश्न का उत्तर बताना है। ध्यान से देखिएगा, जवाब दीजिएगा सभी लोग। किसी एक को मरकरी है, तो सभी लोग का जवाब पूरी तरह से सही थे। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉपर का गलनांक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये यही सवाल यही पूछा जाता है, मतलब दो तीन जो हम
नोट्स में बता रहे जो इस प्रश्न बैंक में, इतना ही रट लीजिए। कापर का गलनांक होता है 1083 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस, 119 डिग्री सेल्सियस, 113 डिग्री सेल्सियस। जवाब दीजिए सभी लोग फटाफट, 1083 डिग्री सेल्सियस इस प्रश्न का सही जवाब है। लोहे का गलनांक होता है, सभी साथी जवाब देंगे 1083 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस, 1693 डिग्री सेल्सियस, 2162 डिग्री सेल्सियस। यहां पर होगा 1535 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। हम और आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ, सल्फर का गलनांक है, सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 119 डिग्री सेल्सियस। आयोडीन का गलनांक है 119 डिग्री सेल्सियस, 113 डिग्री सेल्सियस, 306 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर 113 डिग्री सेल्सियस। इन सबकी स्क्रीनशॉट अपने पास रखते चलिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं सभी लोग के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगला है, अधातुएं बहुत कम चमकने वाली होती हैं, सिवाय, ध्यान दीजिएगा, सिवाय माने नकारात्मक प्रश्न हो गया, सिवाय माने नहीं वाले सवाल है, आयोडीन के, सल्फर के, फास्फोरस के, अधातुएं बहुत कम चमकने वाली होती हैं सिवाय, हाँ मनीष जी कोशिश ये है कि एक बार हम पहले जो इसकी एमसीक्यू सीरीज उसको पढ़ा लेते हैं, फिर इसकी थियरी पढ़ा देंगे, वैसे पढ़ाया हुआ मैंने ऐप पे, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। तो ये रिवीजन करने के लिए केवल एमसीक्यू लेकर आया है, हम थियरी भी इसकी पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा, और आपको प्रश्न की व्याख्या करना शुरू करेंगे, वीडियो काफी लंबा बन जाता है। पीछे आपने देखा, जब मैं पीछे पढ़ा रहा था तो डेढ़ दो दो घंटे की वीडियो बन जा रहे थे, तो व्याख्या करने के लिए, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको पढ़ा के मैं थियरी पर ही फोकस करूँ। एकदम सही जवाब आया यहाँ पे आयोडीन, अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर आयोडीन बताया है तो आपका जवाब सही है। प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगी। अगला है, SO2 किसके साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस में H2SO3 में परिवर्तित हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, जल के साथ। SO2 कैसे हो जाती है H2SO3, अगर हम SO2 में H2O मिला दें तब क्या बन जाएगा, ये H2SO3। देखिए O यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो था, तो दो एक कितना हो जाएगा, O3 हो जाएगा, और यस यहाँ पर है, यस SO3 हो जाएगा, यहाँ पे H2 है तो H2SO3। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब क्या होगा, ये नोट्स में हूबहू दिया गया, मतलब हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं NCERT। NCERT की सीरीज आपकी जो है ना पूरी क्लियर हो जाएगी यहाँ से। हम आगे बढ़ते हैं आपके साथ, किसी को डाउट कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अगला है, लेकिन नोट संबंधित जहाँ फिर से आप चाहे तो इस पर नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये सभी नोट्स हैं, पढ़ लो, चाहे कहीं सिलेक्शन होगा यहीं से, इसको अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी, मुझे पता नहीं लगाएंगे। आगे है, सल्फ्यूरस अम्ल परिवर्तित कर देता है नीले लिटमस को लाल में, लाल लिटमस को नीले में, पीले लिटमस को नीले में, नीले लिटमस को पीले में। तो ये लिटमस का आपने कई बार कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नीले लिटमस को लाल में, ये रिवीजन करने के लिए एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बेस्ट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कोशिश यही कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद हम और आगे चलते हैं, नीले लिटमस को लाल, तो इस प्रश्न का उत्तर ए। हम आगे चलते हैं फिर से अगले सवाल की तरफ, मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ मंद गति से क्रिया करता है, मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ मंद गति से क्रिया करता है लेकिन गर्म पानी या भाप के साथ तीव्र गति से क्रिया करता है तथा उत्पन्न करता है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन। तो जितने भी हमारे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें सभी इस वीडियो में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका ए। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए जवाब दिया है तो पूरी तरह से इस प्रश्न का उत्तर सही है। हम इसी के साथ बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, कॉपर सिल्वर तथा निकिल क्या है, पानी के साथ मंद गति से क्रिया करते हैं, गलत, पानी के साथ बहुत ही मंद गति से क्रिया करते हैं, गलत, जल के साथ बहुत तीव्र गति से क्रिया करते हैं, गलत, जल के साथ क्रिया नहीं करते, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा डी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही था। हम बढ़ रहे फिर से इसी के साथ नए सवाल की तरफ, एक अगले प्रश्न की तरफ,
अगला प्रश्न आपके लिए है, कह रहे कॉपर निम्नलिखित में से एक के साथ क्रिया नहीं करता, किसके साथ नहीं करता? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पर होगा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड साथ करता है, नाइट्रिक एसिड से करता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ नहीं करता। और अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है, पूरा तरह से आपका क्या इस प्रश्न का उत्तर सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ आपके साथ। अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहे हैं कौन सा अनुक्रम धातुओं को क्रियाशील श्रेणी के नियम का अनुपालन करती है? पोटेशियम है, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम। तो यहां पर देखिए सोडियम है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पहले पोटेशियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। मतलब सवाल का सही उत्तर क्या होगा, बी। अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताया तो आपका जवाब सही है। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है कौन सा अनुक्रम धातुओं की क्रियाशील श्रेणी का अनुपालन करता है? कॉपर, लोहा, जिंक, कॉपर, लोहा, लेड, जिंक, जिंक, लोहा, लेड, कॉपर, लोहा, जिंक, लेड, कॉपर, लेड, जिंक, कॉपर, लोहा। तो यहां पर भी होगा जिंक, लोहा, लेड, कॉपर। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपका बी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी जवाब दिया तो आपका उत्तर पूरी तरह से सही है। हम आगे बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है आघात वर्धता क्या है? लंबे तार के रूप में खींचना, पीट कर चादर प्राप्त करना, पीटने पर भंग होना। जैसे भी आपको बैकग्राउंड साउंड सुनाई देते पीटने की, तो आघात वर्धता जो होती है वो पीट कर चादर प्राप्त करना होता है। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी जवाब दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सी एक धातु हथेली पर रखने मात्र से पिघल जाती है? सोडियम, जर्मेनियम, गैलियम। सभी लोग जवाब दीजिएगा, काफी अहम, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप लोग प्रतिदिन क्लास में टाइम से रहा करिए, क्लास के समय आप लोग को पता है, फिर भी आप लोग लेट कर देते हैं, खुद भी जुड़े अपने सभी साथी मित्रों को जोड़कर रखिएगा। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से धातु हथेली पर रखने मात्र से पिघल जाती है? तो उसका नाम है गैलियम। सी। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया तो आपका जवाब सही है। कौन सा उपधातु का उदाहरण नहीं है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम नहीं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी होगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आज का आखिरी सवाल है, इसी के साथ ये सेशन समाप्त हो जाएगा। कल आप लोग एकदम टाइम से जुड़े रहेगा, चाहे वीडियो को फेसबुक पर देखना, चाहे यूट्यूब पर देखना, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ये निशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित में, राष्ट्रित में है। आप दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ेंगे, जहां पर क्लास की सभी लिंक आपको मिल जाएगी, जितने भी लोग इस वीडियो में है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट से संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेस जनपद जौनपुर से आपके लिए लाइव चलती हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर सभी एनसीईआरटी के नोट 6 से 12 तक हिंदी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ सकते हैं। सांद्र नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयतन के रूप में 1:3 के अनुपात में मिलाने पर बना मिश्रण जाना जाता है। एक्वारेजा, सिल्वर टार्निश, एल्निको, इसमें से कोई नहीं। तो सभी जवाब देंगे इसे किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सब एनसीईआरटी का प्रश्न बैंक है। तो सभी लोग इसका जवाब देंगे। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा एक्वारेजिया। मतलब सवाल का सही उत्तर है आपका ए। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताए हैं तो आपके जवाब सही है। इसी के साथ ये सेशन आज का समाप्त होता है। इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा, और सबसे बड़ी बात इस वीडियो को अपने सभी मित्रों सभी साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका व्यक्तिगत सवाल है तो इलानी विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। मेरी क्लासेज आपके लिए देशित में, राष्ट्रित में निःशुल्क रहती हैं, प्रतिदिन समय से क्लासेज चलती हैं, और भी क्लासेज चलती हैं। इसके अलावा अन्य यूट्यूब चैनल पर भी क्लासेज चलती हैं, जैसे सुपर टेट विद दुर्गेश सर है,
स्टडी विद दुर्गेश्वर है, अरिलनी विद दुर्गेश्वर है, यहाँ पर भी मिलती रहती हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, लाइक का बटन दबा के रखिएगा, टाइम से जुड़िएगा क्लास में। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू। सभी के लिए महत्वपूर्ण मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ।